हेलो एवरीवन, दिस इज निरूपी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे DSSP की प्रिपरेशन को लेकर। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हों या प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट आ रहे हों या बुक से रिलेटेड डाउट आ रहे हों। आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पार्ट वन यानी कि जो आपका जनरल पार्ट है और पार्ट टू जो कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, चाहे आप TGT या PGT या PRT किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है DSSB ने अभी ही अपना सब्जेक्ट का सिलेबस लॉन्च किया है और जनरल पार्ट का भी आपका सिलेबस है, ठीक है। तो दोनों को देखते हुए आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है ताकि ये जो लास्ट 2-3 मंथ्स हैं इनमें आपका तो आपकी परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके और आप लोग और अच्छा परफॉर्म करने लगे। क्योंकि देखिए टाइम कम है, ऑब्वियस ही बात है, नया सिलेबस है, नई चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपना सिलेबस देखते हो, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। सिलेबस जब आप देखते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो या जनरल पार्ट हो, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि कुछ भी नई चीज़ एड ऑन नहीं हुई है, ठीक है। अगर कुछ एड ऑन हुआ है तो वो हुआ है सब टॉपिक्स, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है और आपको अपने जनरल पार्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए टाइम कम है तो ऑब्वियस ही बात है आपको टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा ताकि आपका ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपका सारे चीज़ों को यूटिलाइजेशन हो सके और आप एक इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड आपके डाउट्स आ रहे हैं उन सारी चीज़ों को वो सॉल्व की जा सके। और जैसे कि सब्जेक्ट का जैसे ही सिलेबस आया तो कई बच्चे बुक्स को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे जैसे मैंने आपके सिलेबस देखे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आपको जैसे कि कई जगह आपको NCERT के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, कई जगह आपको थोड़े से अपना लेवल को हाई करना पड़ेगा। तो सारी ही चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आए। देखिए सबसे पहले हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन एट दी एंड हमारा एक मोटिव यही है कि आपको एग्जैक्ट वे पता चल जाए कि आपको किस तरीके किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो मोस्टली ऑडियंस है वो सेल्फ स्टडी वाली है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में आप किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाए। तो देखिए अगर हम बात करें DSSB के बारे में तो DSSB जैसे कि आपको पता ही है दो पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम होता है, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। चाहे आप DSSP में TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो या PRT की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, PRT की वैकेंसी नहीं आई है और TGT और PGT इनकी वैकेंसी आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। PGT में तो कई एग्जाम्स हो भी गए, होने वाले हैं या फिर उनका शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली ये बात नहीं है कि जैसे ही नया सिलेबस आया तो आप घबराना शुरू कर दो, एग्ज़ाम पैटर्न आपका पहले ही जैसा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। क्योंकि कई बच्चे इस तरीके से कमेंट कर रहे थे कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है क्या, एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस हुए हैं या नहीं। नहीं, एग्जाम पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, बस जो आपका सिलेबस अब जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके ही अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको उस एग्ज़ाम की किस तरीके से तैयारी करनी है और उस तैयारी को किस तरीके से आप कर सकते हैं जब आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा, जैसे कि सिलेबस, दूसरा उसके एग्ज़ाम पैटर्न और उसमें जो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना, जिस भी चीज़ में आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की डिमांड कर रही हैं, ठीक है। तभी आप लोगों को उस चीज़ को अच्छे से, आप एग्ज़ाम हॉल में अपना एक प्रेशर होता है तभी आप उसे प्रेशर को झेल पाओगे। तो एग्जाम आप TGT के दे रहे हो, एग्जाम PGT का दे रहे हो या PRT का, तीनों ही एग्जाम में ये एग्जाम पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है, जिसमें कि आपका जनरल पार्ट होता है पहले, फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज जो देखने को मिलती है वो ये होती है कि सब्जेक्ट कंसर्न PGT में आपका 200 नंबर का होता है और PRT और TGT में आपका 100-100 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न रहता है। और ये सब्जेक्ट कंसर्न जो रहता है ये अच्छा खासा सिलेबस आपका होता है। अभी जैसे कि इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस अपना डिक्लेयर कर दिया है, वो सिलेबस इतना भी आसान नहीं है, वो एक अलग बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले की पढ़ी हुई हैं,
लेकिन इस चीज का याद रखिए कि डीएसएसबी में जो नेगेटिव मार्किंग है प्लस जो इनका एग्जाम पैटर्न है, मतलब विंडो जो आपकी ओपन होती है वो सिर्फ और सिर्फ पहले एक विंडो ओपन होगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की होगी, तो उसमें क्या होता है टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। कई बार बच्चे इस हबड़ दबड़ में ये भी गलती कर देते हैं कि ये विंडो हम मतलब ये सब्जेक्ट हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं रहता। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास मैथ्स का विंडो खुल गई, ठीक है, तो मैथ्स में काफी टाइम कंज्यूम हो गया जिसकी वजह से सब्जेक्ट में और बाकी सब्जेक्ट में उसने टाइम कम दे पाया। तो ये चीजें क्या है डे वन से हम मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा जब भी आपका एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी उससे पहले ही आपको सारी चीजें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सिलेबस अभी भी नहीं है तो प्लीज अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाइएगा, प्रिंट आउट सिलेबस का निकालिएगा और अपना चाहे जनरल पार्ट हो चाहे सब्जेक्ट कंसर्न हो दोनों का अपना नोटिस बोर्ड पर या जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहां लगा लीजिएगा ताकि आप डेली डेली उस सिलेबस को देख सको। और ये याद रखिएगा कुछ टॉपिक्स होते हैं कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में सब टॉपिक्स को पहले कोशिश करनी है कि हमें जो टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर करने की, ठीक है, फिर जो उसमें सब टॉपिक्स हैं उन पे जाने की, ठीक है। इससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जाएगी सब्जेक्ट में। दूसरी चीज, अगर आप अपनी डीएसएसबी का एक एग्जाम पैटर्न या उस डीएसएसबी के एक एनालिसिस करोगे तो आपको एक चीज और समझ आएगी कि जो पीजीटी है टीजीटी है पीआरटी है, ठीक है, तीनों में ही आपको एक चीज कॉमन क्या कि जनरल पार्ट सबका सेम रहता है, ठीक है। जनरल पार्ट में आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जो जनरल पार्ट में जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लो और कोशिश करना कि थोड़ा ऑनलाइन ही आप लोग जनरल पार्ट को दे टाइम, क्योंकि ऑनलाइन में आपका टाइम एक तो टाइमर चलता रहेगा, दूसरी चीज आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। इससे आपको ये डिटेल एनालिसिस ये हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कम टाइम देना है और कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर है तो आप उसमें कम टाइम भी दे सकते हो और किस में आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। ये चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में एट द एंड आपका यही चीजें मैटर करेंगी कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर गई है। और अब बात करें कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस एग्जाम की, एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे एग्जाम कंडक्ट होता है या फिर आपसे एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है। वो किस तरीके से बिल्ट होगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, ठीक है। इन चीजों में टाइम तो कंज्यूम होता है लेकिन एक बार आप जब इन चीजों को देख लेते हो तो आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम बहुत सी चीजें खुद ब खुद पता चल जाती हैं, जैसे कि हमें किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक पे हम थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर अपने आप ही बता देंगे जब आप डिटेल एनालिसिस उसका करोगे, ठीक है। फिर सिलेबस तो आपके लिए है ही है, ठीक है, सिलेबस को तो आप किसी भी हाल में निग्लेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। शायद ही 1 या 2% चांस हो के आपको पहले वाला चीजें देखने को मिले लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कम ही लगाई जा सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें वो पहले वाली ही हैं, ठीक है। बस अब फर्क इतना है कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखिए कोशिश करनी है कि सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक अगर आप करोगे तो उस टॉपिक के एमसीक्यूज जितने भी मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके एक तो प्रीवियस ईयर को तो सॉल्व करने ही करने हैं, दूसरी चीज उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके टॉपिक के उतने ही सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बात करें सब्जेक्ट में और जनरल पार्ट में, जनरल पार्ट में आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की
और सब्जेक्ट कंसर्न में आप किस तरीके से थ्योरी पे ज्यादा फोकस करने की, और यहाँ पर बुक्स के रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, तो बुक्स में आप किस तरीके से चीजों को रेफरेंस रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही आपको रेफरेंस बुक पिक के तौर पर रखना है, क्योंकि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आके पुटअप होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोगों को इस तरीके से कर लेनी है कि आपका एक एक पन्ना भी आपको ये पता चल जाए कि इस पन्ने पे कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट की अलग डिमांड है एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, टीजीटी एसएसटी के लिए अलग तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी और यहाँ साइंस के लिए अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, एक तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, प्लस प्रैक्टिस जरूर करनी है उनकी, लेकिन जो जनरल पार्ट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो टॉपिक पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी आपके वो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जनरल पार्ट आपको पता ही है, जनरल पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीके वाला सेक्शन और आपका रीजनिंग। ठीक है, इसमें से अगर आप हिंदी इंग्लिश और आपका हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग वाला जो सेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बच्चे सही से कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा आपका तैयारी बेहतर चल रही है तो। ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्टीज कहाँ आती है, या मैथ्स में और जीके वाले सेक्शन में। जीके में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, जीके में आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि एक तो करंट अफेयर्स, 6-7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, तो करंट अफेयर्स कौन से, जो लास्ट 6 मंथ के रहेंगे, प्लस आपको करंट अफेयर्स में अगर आप कितना भी जीके वाला सेक्शन कर लो वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जीके अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पे अच्छा फोकस करना है और बाकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों चीजें हो गई जीके वाले। अब बात करें आपके रीजनिंग में, रीजनिंग में एक ऑलमोस्ट बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, तो उसका एक डिटेल में सारी चीजें देख के उसको सॉल्व करने बैठ जाओ। फिर उसके बाद बात करें इंग्लिश की, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो तैयारी करेंगे, एक तो आपको प्रैक्टिस वो प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका यही काम आएगा। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और जो ये रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपकी कट ऑफ में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। पांचों ही सब्जेक्ट आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो आपको क्वालिफाई कैटेगरी भी रहता है यहाँ पर, तो क्वालिफाई कैटेगरी है तो 40 मार्क्स तो लाना अनिवार्य है ही है। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखिएगा कि जनरल पार्ट में अगर अच्छा स्कोर करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको वहां हेल्प कर देगा वो। ठीक है, टारगेट लेके चलना है, एटलीस्ट 70 के लगभग हमें टारगेट करना है जनरल पार्ट में। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी में 70-80 के लगभग सब्जेक्ट में भी टारगेट करना है। देखिए, ज्यादा बोलने को तो मैं बोल दूं 90 मार्क्स टारगेट करो, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बच्चे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं कर पाते। ठीक है, और यहाँ पर विंडो, एक विंडो पे जाने के बाद आप दूसरी विंडो पे चले जाओगे तो वो विंडो दोबारा नहीं खुलेगी, तो यहाँ पर ये भी चीज़ है, थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन ज़्यादा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज और बात लोगों को बता रही हूँ, प्रैक्टिस आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करनी है, चाहे आप हमारी एप्लीकेशन से करें चाहे आप किसी और एप्लीकेशन से करें। ठीक है, ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी, ऑफलाइन में आप लोगों को सारी चीजें नहीं पता चलेंगी कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कोशिश करनी है कि साइबर कैफे में जाके अपना टेस्ट दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन में एक मतलब एक ब्रेन को है ना हैबिट हो जाएगी टेस्ट देने की, और मतलब चीजों को जल्दी जल्दी प्रोसीड कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें सब्जेक्ट में किस तरीके से, कि सब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको बता दिया बुक्स कौन सी, एनसीईआरटी, और वो डिपेंड करेगा कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी की। पीजीटी में आपका ग्रेजुएशन तक की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कई बार
बाकी अगर 12th तक भी आप सारी चीजें अच्छे से कर लेते हो तो एक सिलेक्शन के लिए तो आपको सारी चीजें पता चल ही जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि पीजीटी और टीजीटी में आपका पता चल गया, बुक्स आपकी एनसीईआरटी, और आपको कुछ रेफरेंस बुक्स आपको पास रखनी पड़ेंगी। कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की, ठीक है। और लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि उनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन साथ में पुट अप होता है, और जो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखिए, एनसीईआरटी कोशिश करिए फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में आपको सारी चीजें खुद ब खुद, आपकी फर्स्ट रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सेकंड और थर्ड रीडिंग में बहुत जल्दी जल्दी चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इतना तो आपको करना ही करना है। और देखिए, बिना पढ़े कोई एग्जाम नहीं निकलता, आप कितना भी दुआ कर लो, कितनी भी चीजें कर लो, लेकिन बिना पढ़े कोई भी चीज नहीं हासिल होगी। तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई भी कोर्स परचेज कर लो, लेकिन अगर पढ़ाई आप नहीं कर रहे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एट द एंड मेहनत आपको करनी है, डायरेक्शन आपको दी जा सकती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन वहाँ चलना आपको ही है, एग्जाम हॉल में बैठना आपको ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको डे वन से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, अभी भी टाइम इतना कम नहीं है कि आप लोग टाइम ना दे पाए, सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से करिएगा। और कई बच्चे इस तरीके से गलतियां बहुत करते हैं कि वो सिलेबस प्रॉपर अपने पास नहीं रखते। टाइम नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, अपने टेबल पे रखो, जहां पढ़ते हो वहां रखो, और डेली देखो कि कौन से टॉपिक्स आपके आपको सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन से भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी आप किसी अदर, लेकिन कोशिश यही करनी है कि टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन देने, ऑनलाइन देने से आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगी खुद ब खुद। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा चीजों को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करोगे तो इंशाल्लाह आपकी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, बाकी पीजीटी में आपका 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न देखने को मिलता है, और टीजीटी में आपका 100। ठीक है, और पीजीटी आपका 3 घंटे का पेपर होता है, टीजीटी आपका 2 घंटे का पेपर होता है, तो टाइम आपके पास कम ही है। इस कम टाइम में आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है ये आप पे ही डिपेंड करेगा। और कैसे पता चलेगा, जब आप कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से टाइम को कंज्यूम कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम आपका जा रहा है। ठीक है, होप्स सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। एक वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, एनी हाउ हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए,